या मुझे ठीक से इंट्रोडक्शन वगैरह देना नहीं था, हमने तुम करो यार। अरे रुक जरा। This is the shortest introduction anyone has ever done. Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. मैंने दादा को बहुत प्रिपेयर किया कि यू नो ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वी वर्क ऑन दिस फिल्म फॉर 3 years, इट्स बीन लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर बोथ ऑफ अस, बट उन्होंने हक दिया, कुछ बोला ही नहीं। आई थॉट ये कुछ अच्छा कहेंगे फिल्म के बारे में। बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए गए हैं इस फिल्म के बारे में, यू नो जो डिले हुआ है, इतना टाइम लगा है, बट इट जस्ट रिमाइंड्स मी कि जो 3 साल पहले या 3.5 साल पहले जब दादा मेरे पास आए थे और उन्होंने ये आइडिया सुनाया था जगह जासूस का, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था। एंड यू नो वी डिसाइडेड कि यू नो हम ये खुद प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म द वे वी वॉन्ट टू मेक इट। किसी को पता नहीं था इतना टाइम लगेगा, और पता नहीं किसकी गलती है, किसी की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि दादा की गलती है, प्रीतम दादा की गलती है या मेरी गलती है। आई थिंक ये सबकी गलती है, क्योंकि जब दादा फिल्म बना रहे थे, दादा तो घुस गए थे इस फिल्म में, 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, बट हमने दूसरे फिल्में की हैं, दूसरे रोल्स निभाए। आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रियली stood by this film, so I really hope, you know, for him and for his amazing heart, that you know you guys give this film a chance and enjoy this film on the big screen. I think we can take a few. Dada, Kanan, I think you have to move. Are still, Sujit Dada. Oh, Sujit Dada. Yogi, one more mic. No, we have mics. We have mics. खुश? You want to say something? किसी किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट आया था, बीच में मत बैठना, वार्निंग दिया मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं। Just to me and Pritam. Someone's got questions for us. Bhushan sir, how are you? Welcome. We have Ravi sir also here. The let's first question be from Bhushan. Music delivery कब होगी? Probably ask for the third song. Hi, रवि सर, दिस इज आलोक आपके लेफ्ट में। कहाँ है आलोक? हाय, आपका मैसेज मिला सुबह। अरे थैंक यू सर। सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है, डांसिंग स्किल जो है आपकी उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है, ज़रा उसके बारे में बताएं अपने डांस की कैपेबिलिटी के। वेल एक्चुअली जैसे सब जानते हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसके रह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ। आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, वो तो है, द वे शी डांसेस। नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उमदा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था, क्योंकि मैं इसको यू नो रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशन, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। देर इज़ नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस। क्या वो आमिर खान था? नो, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन। एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं, यू नो जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन, यू नो लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग ऑल्सो एवरीथिंग वॉज इम्प्रोवाइज। ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पर जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था। कतरीना, गाने की लाइन है यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? Asking, वो लिरिक्स के बारे में कुछ I think there are no, I think... लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए दादा। गलती से मिस्टेक, मिस्टेक करने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं और कैटरीना की उम्र में खास करके ज्यादा। पहले आप बोलो आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से हो? स्पॉट बॉय से। ओके, तो क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, दे ओनली लर्निंग्स। दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बींग्स, दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट।
सो देयर इज नो मिस्टेक्स. सब दिल हम सब उल्लू के पट्टे हैं. रणबीर आपके राइट. रितेश ईटीवी से. दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. जब हम बर्फी पे काम कर रहे थे, और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फी रिलीज हो गई चल गई तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फी में क्या हो रहा था. जब मैंने फिल्म एक हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह ये क्या फिल्म बना दी दादा ने यार. तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर. मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री. आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट इंगेजिंग एन ऑडियंस, अबाउट म्यूजिक, अबाउट कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेज, बहुत मतलब इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो आई रियली होप कि यू नो मी एंड दादा कैन मेक लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे. तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये टू मी ही इज अ रियल दादा. यू नो दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है. हाय रणबीर, फरीदुल फ्रॉम. नमस्ते जी, कैसे हो आप? भारत टाइम से. हेलो मैम, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं. जितना टाइम नहीं है कटिंग, जल्दी बोल दे. क्या कौन सी गलती है जो आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू भी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता. आई थिंक गलती सड़क पे सुसु. ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी. चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी. अच्छा रणबीर, एक दूसरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत वेरिएशन की फिल्में की हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं. मुझे ये बताइए कि दादा जो आपके हैं राज कपूर साहब, उनको आप कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे पल होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे तो बहुत सारा एक रिजेंबलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौक़ों पर याद करते हैं, वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ. मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया सोनी, बिकॉज ही शोड मी द वे. आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ. एंड और यही कोशिश करता हूँ कि यू नो ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो नाम, जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा. यू नो मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से. एंड आई होप दैट आई कैन कंटिन्यू डूइंग सम गुड वर्क. हाय रणबीर, फरीदुन फ्रॉम बोलरंगामा. I spoke to Aamir Khan recently and he said that Ranbir Kapoor is setting benchmarks as an actor. Aamir rarely actually praises anyone so profusely, also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that some wonderful things about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectations from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer, and most importantly taking chances? मैंने इनको बहुत सिखाया इसलिए वो. Correct. इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा, कटरीना को. बट थैंक यू आमिर सर, थैंक यू परेश सर. यू नो दीज गाइज आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. यू नो अगर हमने कुछ एक्टिंग सीखी है, इनसे ही सीखी है, इनकी फिल्में देख के सीखी है. एंड आई होप दैट आई डोंट लेट यू डाउन आमिर सर. यू बीन अमेजिंगली स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी इन माई एंटायर करियर. जब आई रिमेंबर जब बॉम्बे वैल्यूट रिलीज हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, आमिर सर कहीं ट्रैवल कर रहे थे, केम स्ट्रेट टू माई हाउस. He sat with me the entire night and he really like spoke to me, you know, about acting, about the film industry, about hits and flops. So I think his love for me is very deep and I really appreciate that. And the fact that unko mera kaam pasand hai, wo to sone pe suhaga ho gaya. And I hope I can live up to his expectations. Anurag sir, can you please tell us something about the importance of Mr. Ravi Varman? Because I think the camera work is looking outstanding in the program. He's my second wife. और वो इज एन रवि शर्मा है, सचमुच का तो ही नहीं है. सो रवि इज हियर एंड नो यू कैन सी इट इन एवरी फ्रेम.
And it's amazing, you know, when Barfi, we started working, Ravi knew very less of Hindi and it was very difficult to communicate with him. But he would understand, even if with that less knowledge, he will understand what I'm communicating more than any other cameraman who knew the Hindi language and English language, everything. There was a, so it was actually silent movie between us also during Barfi. And now I don't have to say anything. I look in the direction, he knows what I want. And what's going in my mind, I also understand what's going in his mind. It's amazing, it's very rare, you know, you find somebody as a colleague, you know, who is just, and he stood by me all this during, it was a very difficult process, you know, it was not one scheduled film, there was like schedules were break in pieces, and for a cameraman who's doing other films also to take out, and it is amazing, I'm really thankful to him. Jab bhi hum log set pe aate the, hamesha you would see Ravi sir with a big smile, and this film had been a while in the making, so sometimes you would come on the set a little, you know, tired or not in the best of moods. There was infectious positive. Always one person who is smiling behind the camera. और ये जो टाइम का भी मैं बता दूँ, ये क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अटकलें, मैं आपको बता दूँ प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना, टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में, 4 साल लगता है, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं 2-3 साल, फिर फिल्म बनाते हैं 6-7 महीने में, लेकिन हमने क्या किया, फिल्म तुरंत शुरू कर दिया बर्फी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसी बन पाता, क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरी पिक्चर का 2 साल बैठ के, फिर उस साउंड ट्रैक पर शूट करें. हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेंज गली में, विच इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, यू नो, टू मेक एवरीथिंग रेडी, एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको. सो दिस इज द प्रोसेस, आया था हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते, तो हम चंक्स में पैर टुकड़ा, तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, इनकी 3 फिल्में होंगी, बीच बीच में ये फिल्में होंगी, मेरा भी दूसरा काम होगा, तो ये दिस वॉज ऑल डन. इट्स नॉट दैट यू नो वी आर शॉक्ड एंड अरे वो शिट इतना टाइम लगा, लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती, क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल, इतने सारे गाने हैं, आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल लगता. आप देखिए गाने को, गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ, 20 के ऊपर ही हैं. अमृता, फाइनली फिल्म रिलीज होने को तैयार है, मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी अभी से लेकर के 14 जुलाई तक, क्या प्लान किया है आपने? टोटली हर रोज वील बी डूइंग समथिंग, एंड आई थिंक अनुराग इज बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट. द फिल्म हैज सो मेनी एलिमेंट्स के इन द मार्केटिंग इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू पुट आउट एवरीथिंग दैट ही इज गॉट इन द फिल्म. सो नो वन सॉन्ग कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट द फिल्म, नो वन ट्रेलर कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट द फिल्म. So we'll go for it, yeah, and we'll mount it in a big way. July is a great release date. You know, bachon ke chuttiyan khatam ho rahi hain, kids are going to college, they'll bunk college and go to theaters. That's what we want. So yeah. Ranveer, aapke right here. Hello. Amit from Dainik Jagran. Ranveer, aapne jis tarike se flawlessly isme matlab dance kiya hai, ya fir Adil-e Mushkil ya Rockstar mein aapne jis tarike se character mein doob gaye, gota lagaya aapne. To matlab jo acting aspirants hain, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर के स्किन में कैसे आप जाते हैं या जाना चाहिए? देखिए, मैं जगह जासूस के बारे में बात करूँ, इसमें जो मेरा किरदार है, ही इज ऑफ अ यंग बॉय, यू नो, इन अ हाई स्कूल समवेयर इन सम स्मॉल टाउन, इट्स अ फिक्टिशियस टाउन. ही स्टैमर्स, उसको हकलाने की आदत है, एंड बिकॉज ही स्टैमर्स ही हैज टू सिंग एवरीथिंग. ही मीट्स अ फ्रेंड कॉल्ड टूटी फूटी, who befriends him, who becomes like his father, and he teaches him these things, you know, he teaches him certain values, he teaches him to become really intelligent, you know, if he feels shy in front of the world, go and sing, you know, you can express what you have to say, and one day he disappears. So Jagga becomes a jasus, he becomes a detective, he uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone, and in that process he meets Shruti, Mrs. Calamity Jane, who he क्यों अभी मुझे पता चला कहानी क्या है. नहीं नहीं, यही कहानी है. सो आई थिंक द कैरेक्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर प्लेड ए डिटेक्टिव, आई हैव नेवर प्लेड समबडी हु स्टैमर्स, आई हैव नेवर प्लेड समबडी हु, यू नो, आई हैव नेवर डन अ फादर सन स्टोरी, यू नो, समथिंग विच इज सो इमोशनल, यू नो, यू हैव डन लव स्टोरीज, यू हैव डन इंटेंस म्यूजिक रॉकस्टार काइंड ऑफ फिल्म्स, बट दिस वाज वेरी स्वीट, यू नो, आई फेल्ट रियली गुड इन माई हार्ट बींग ऑन सेट, आई फेल्ट गुड इन माई हार्ट टू सिंग प्रीतम सॉन्ग्स, दादा द काइंड ऑफ सीन्स ही रोट. So I've had really an amazing time, and I hope that it comes through. You know, I haven't seen the film, but I hope it all comes through together. Hai na dada? Is film mein matlab father aur son ka, Anveer, is film mein jo theme hai father son ki, matlab hai chemistry shayad nahi aa rahi sir. Is film mein jo aapka character hai uski father and son ki shayad matlab hai chemistry. Yeah, it's a father son story. Inke sath bhi chemistry sab. I think it's a very difficult. It's very. If you ask me now, about the film, as a director and writer, if you ask me, it will not be a short answer of 5 minutes if I have to give real sense of the whole film to you. So it's better you guys watch.
आप तीनों से ये सवाल था कि जो फादर्स डे भी आ रहा है तो आप तीनों ने अपने अपने फादर से क्या क्वालिटीज इम्बाइब की हैं, एक्वायर की हैं? Not to drink. Very important. No, I think family. You know, I think family, the kind of values that your family gives you and the kind of love that you feel for your family, I think that's very important. We all should not forget, you know, what our parents mean to us and whatever they've done to us, for us all our lives. Today I'm 34, I'm going to be 35. Now, I am their parent. You know, I have to take care of them. I have to make sure that they get all the happiness, all the joy, and everything that, you know, they've given me with so much of love and so much of heart. Ranbir, on your left. Two things it's always echoes my mind of my father. Duniya mein sabse bada rog kya kahenge log? First thing. It's always second. What you're living for, always remember. Purpose of life. That's it. Hi, Shubharna here. You just mentioned that, you know, you're playing a high school. How was the transformation? Sorry? Oh. I think, sorry, I don't know who asked it, whoever there. I think family is the most important thing for anyone. And your family are the people who are there for you at all times. They're the people who, I think, instill the values that you have in you. And especially as I think, you know, as Ranbir said, the years go on, you realize the importance of your family and how special they are. Sorry. Yeah, I'm sorry for cutting you short that day. Talking about being a high school boy who's like half your age, so how was that, you know, when you... No, thankfully, because it's cinema, so the age is not defined. Yes, I did feel that I would look very old. You know, I tried to look the part as much as I could, but I believe that when you see the film and you see the way the film unfolds, you will not believe that, you know, I'm not from this world or from this high school. You know, and also there are different logics why he's still here, what he's doing. So I think it'll be believable. Ranbir, Katrina, state. Hi, Abhishek here. The film is all set to release on 14th. Aap dono ki chemistry bahut achhi lag rahi hai. But there were reports earlier that aap dono film saath mein promote nahi karenge. Aaj aap saath mein hai. Could you guys just throw us some plans as to kis tarah film ko promote kiya jayega? Aap dono saath mein karenge ki nahi? I think hum sab ne bahut mehnat se kaam kiya is film pe. We've given our time, our effort, our heart. And this is my film as much as Katrina's, as much as Dada's. This is our film. Hai. And we would like to present it in the best way possible, that the audience will reach the audience. They like the promos. They like the content of this content. It should be good. Not that Katrina and I will do something or go to a reality show. So, because of that, people will come to the cinema. Aenge. Of course, we'll do all of that. You know, that we'll make sure that everybody is aware that the film is coming on 14 July. But as every film has a plan, this film has a plan. हम ये महीने कुछ एक्टिविटीज करने वाले एंड देन 1st जुलाई ऑनवर्ड्स वी विल रियली गेट इनटू प्रमोटिंग द फिल्म और सिंस ये फिल्म 3 साल से बन रहे हैं मैंने दादा को पूछा बात बोलना बार-बार जरूरी है चौथी बार बोल रहा है मैं सुन रहा हूं मैंने दादा को पूछा और रणवीर को भी मैंने पूछा प्लीज मेरा नाम भी डाल दीजिए वो प्रोड्यूसर का क्रेडिट्स में जो आते हैं ना सो अंटिल नाउ आई हैव नॉट गॉट अ आंसर बट आई विल थिंक अबाउट इट रणवीर ऑन योर लेफ्ट यहां पर रणबीर शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है जब हैरी मेट सेजल वो नाम जो है आपने सजेस्ट नहीं किया तो मैं आपको 5,000 रुपए क्यों दूं तो आपसे जानना चाहेंगे इज इट देखिए मैं आज सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मेरा है मैंने दिया था लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि शाहरुख सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं दे रहे दुख की बात यह है कि मुझे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था तो शाहरुख सर मैं मन्नत आ रहा हूँ 5,000 रुपये लेने के लिए कैश प्लीज़ बट टू बी ऑनेस्ट यू नो मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और उधर इम्तियाज शाहरुख सर एंड अनुष्का शूट कर रहे थे तो हम सब बैंड में बैठे थे वी आर डिस्कसिंग टाइटल्स तो मैंने ये टाइटल सजेस्ट किया सब हंसे मेरे पे और बोला बहुत बकवास टाइटल है एंड दे लाफ्ड एट मी एंड ऑल कट्टू आज उनका पोस्टर रिलीज हुआ विद माई टाइटल सो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस फिल्म का बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ बाई फार द मोस्ट एक्साइटिंग एक्टर डायरेक्टर डुओ फॉर मी टू सी शाहरुख सर एंड इम्तियाज टुगेदर वॉज माई ड्रीम एज अ फैन एज एन ऑडियंस you know, Imtiaz sir is coming back with Pritam also in this film. There's Anushka in this film. So I'm really looking forward to it. And I'm really happy that, you know, and I've also got a little part to play in this film now. Okay. Katrina, hi. Katrina, kaisa experience ek baar phir se Ranbir Kapoor ke saath mein shoot karne ka?
How was experience? So Anurag, my question goes. कैसा रुक ना जा रहा? सब लोग एक साथ. कटरीना, यहाँ. कैसा रहा experience एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में shoot करने का? जग्गा जासूस. सही. पैसे पूछे? ये हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे दो सुपर हिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति. बोलते रहती थी, मतलब वाइल वी आर वर्किंग द फिल्म ओनली, यू नो, तू आज कुछ भी है मेरी वजह से, बिकॉज आई वाज इन अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वाज इन राजनीति, फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई. सो आई फेल कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूँ, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ यू नो बी ग्रेटफुल एंड पे बैक ऑल दैट कटरीना हैज डन फॉर मी. एंड आई प्रॉमिस था कि मैं तेरे लिए भी एक सुपर हिट बनाऊंगा. सो दिस फिल्म आई मी एंड दादा हैव मेड ओनली फॉर यू. एंड लेट मी टेल यू के शी इज amazing in this film. Yeah. She's unbelievable what she's done, and we're really proud that you know, this is going to be Katrina Kaif's best performance. So, kya Ranveer, aapko lagta hai ki abhi tak Katrina ne ek bhi super hit film nahi ki hai? Aap kahan se ho? Aap kahan se ho? Aur aapka naam kya hai? Please khade ho jaiye. Aapka naam kya hai? Main bhul gaya. Kahan se ho aap? Spot Boy se Nikita ka question hai. Kya question tha aapka? Nahi, pagal hai. I mean, ye super hit की मशीन है. आई थिंक एवरी फिल्म ऑफ इज अ सुपर हिट. एंड यू नो, वी यूज़ टू जोक, यू नो, शी शुड जस्ट टच द फिल्म और हमारी फिल्म भी सुपर हिट हो जाए. बट नो, आई फील के आई डोंट थिंक देर हैज़ बीन अ ग्रेटर स्टार देन कटरीना इन द फिल्म इंडस्ट्री. यू नो, एवरी जनरेशन, एवरी डेकेड, देर इज़ अ न्यू सुपर स्टार दैट कम्स. एंड आई थिंक कटरीनाज अचीवमेंट्स हैव बीन रियली अनबिलीवेबल व्हाट शी इज अचीव. एंड आई होप दैट शी कैन डबल इट, यू नो, इन दीज नेक्स्ट 10 इयर्स. तारीफ हो गई अभी ज़्यादा. थैंक यू वेरी मच. सो अनुराग, यू एसोसिएटेड विद द इंडियाज नंबर वन एक्टर रणबीर कपूर विद बर्फी एंड यू वन बिलियंस ऑफ हार्ट्स. सो डू यू एक्सपेक्ट द सेम विद जग्गा जासूस आल्सो? या द होल स्ट्रगल इन आवर माइंड वाज दिस फिल्म शुड बी बेटर देन बर्फी. आई वाज नॉट थिंकिंग इट शुड वर्क और नॉट वर्क. व्हाट द फिल्म व्हाट वी आर मेकिंग शुड बी बेटर देन द लास्ट फिल्म. दिस वाज व्हाट वाज गोइंग इन everybody's mind, Ravi's mind. Ravi wanted to better his work than Barfi. This is what, because बस यही कोशिश थी. अभी कितना सफल हुए आप लोग बताएंगे, लेकिन अब all throughout the shoot this was going in our mind that his performance, the overall experience of watching the cinema should be better than Barfi, which was a big struggle for us actually, how to better Barfi. रणवीर, मेरा सवाल रणवीर एंड कटरीना, आपके राइट में, आपके तो कटरीना, why do you take so much of time to release a movie, or are you so choosy about script that you take a lot of time and after consuming so much time you come with a release? No, that I think that's something which is just incidental. Like I can't say it again, so because Dada said I said it four times, but there was a certain film which was in the making for a long time. That one. Yeah. So sometimes delays happen. It's not a planned thing. But in this case, I really do think that, as Dada said, this was the only process to make this film. And although we don't know what will happen, you know, at the box office, one thing that I'm sure of is when people see the film, they will unanimously agree that they will understand why this was the process it had to be and why it took so long. Ranveer and Katrina, आपके right में. मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं दैनिक जागरण डिजिटल से हूँ. मेरा सवाल है कि आप दोनों ने बचपन में कभी किसी की जासूसी की है, या रियल लाइफ में आप में जासूसी वाले कोई क्वालिटी हैं? हाँ है. एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज बिकॉज द फिल्म वाज बीइंग मेड इन पार्ट्स, कभी कभी आई वुड कम टू नो दैट नहीं, दादा शूटिंग इन फिल्म सिटी. किसके साथ? रणबीर के साथ. मैं नहीं हूँ, मतलब दादा. सो आई वुड कॉल दादा, दादा व्हाट आर यू शूटिंग? आई वुड आस्क वन ऑफ द एडीज, दादा व्हाट आर यू शूटिंग? So there was for me a lot of jasusi happening on this film, because I think both of us wanted to be so much in the film and every frame, because he was making it so well. So that was my jasusi on this film. And Ranveer is the biggest jasus of the industry. Kahan kya ho raha hai sab pata hai. Hi Ranveer, Bhavna from Zee News. This side. Hi, how are you? Very good. I'm feeling as if I'm talking to young Sanjay Dutt. You look so different. You have a great lineup of films, Jagga Jasoos and Sanjay Dutt biopic, then Ayaan super hero film. How do you feel about your upcoming projects? You feel fulfilled? You feel content that you're doing? I feel extremely blessed and grateful. You know, last couple of years weren't really good for me at the box office. But still, to have a film with Anurag Basu, Rajkumar Hirani and Ayaan Mukherjee, you know, I feel safe. I feel that they, you know, putting their vision, you know, they're gifting it to me, and I really hope that I can kind of repay that, you know, with my talent, with good performances.
Yeah, I'm feeling very grateful and I'm really excited about my lineup of films. Great, all the best. देखिए मैं बताऊँ इसकी फिल्म कहाँ से पैदा उसी से पता लग जाए कि हम मेरे दोनों बच्चे ना बड़े हो रहे थे और मुझे लग रहा था इनके लिए फिल्में नहीं हैं, मैं कैसे इनके लिए फिल्म बताऊँ, कौन सी फिल्म दिखाऊँ मैं अपनी, गैंगस्टर नहीं दिखा सकता उन्हें, बर्फी ठीक है बर्फी में लेकिन थोड़ा सा लव ट्राइंगल, लेकिन ठीक मेरी छोटी बच्ची जब बर्फी से बाहर निकल के आई थी ना सब बहुत खुश थे, हक कर रहे थे एंड आई लुक डेट तो शी सो ओके शी सेड लाइक दैट, तो मैं बोला यार सही में मतलब देर शुड बी सम फिल्म इन विल ग्रो अप आफ्टर थ्री ईयर्स, तो मैं सही में चाहता था कि हम मैं एज ए पेरेंट मैं जब गर्मी की छुट्टी होता है ना मैं सिर्फ उनके लिए उनको हॉलीवुड की फिल्में दिखाता हूँ और लेके जाता हूँ थिएटर में दिखाने के लिए, तो हिंदी फिल्म होती नहीं, आई जस्ट रियलाइज आई शुड मेक ए फिल्म फॉर माय किड्स फॉर फैमिली फॉर पेरेंट्स लाइक मी हू हैव फैमिली हु कैन गो विद किड्स एंड वॉच मूवी, तो मन में बस यही था, फिल्में होती नहीं हमारे यहाँ से, अनुराग के आगे भी आप तो ये सारे जो बचपन के जो मेरे एडवेंचर जो मैंने देखे हैं जो मतलब यू नो बचपन में जिस तरह से आई यूज्ड टू लव इंडियाना जोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स एडवेंचर, मतलब वैसा कुछ करना चाहिए एंड अपना अपने तरीके से, यू नो रणबीर क्योंकि आपने चिल्ड्रन फिल्म की बात की है तो हिंदी में चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, तो माना जाए आगे आपकी फिल्में चिल्ड्रन स्पेस ज्यादा होंगी, ये डिपेंड करता है क्योंकि अक्सर ये इंडस्ट्री में नॉर्म है कि आप मतलब एक एज कैटेगराइज कर देते हैं कि आप 22-35 बनाए उनके लिए बनाए पिक्चर है, तो लेकिन मुझे लगता है मैं सिंसियरली फील करता हूँ कि परिवार फैमिली ऑडियंस के लिए और सबके लिए, और मुझे इसको मैं किसी कैटेगरी में डालना नहीं चाहता, और फिल्म ऐसे बनी है कि सब एंजॉय करेंगे, आप देख ही रहे हैं, और लेकिन बच्चे भी एंजॉय करने चाहिए, मतलब कई बार होते हैं पिक्चर बड़ों की होती है बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं, सो अगर वी सम व्हाट आई थिंक बर्फी में वो सक्सेस पा चुके तो वो 8-80 का जो ब्रैकेट है ना पूरा यू नो फिल्म बनाए जो सबको सही लगे, तो वही कोशिश इसमें भी है कि आप कर सके, मुश्किल बहुत है करना ऐसा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने बाहुबली बनाई है, नहीं यार बाहुबली आई थिंक इट्स मतलब अभी कुछ मुझे लगता है कि कुछ भी बोला ना अभी इट्स नॉट बीइंग मॉडेस्ट, आप फिल्म के बारे में डिस्क पहले बोलना और कैसी बनाई है, आई थिंक इस वल्गर यू नो खुद ही अपनी फिल्मों की तारीफ करते रहो, कैसे कर सकता आदमी, मतलब आई थिंक इसे कंटेंट इज देयर और कंटेंट आप तक पहुंचेगा, ट्रेलर के थ्रू जाएगा, आप लोग देखेंगे और आप चीट नहीं कर सकते ऑडियंस को, आई थिंक उन लोग समझ जाते हैं कहीं पे फिल्म अच्छी है बुरी है, आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कम एंड सी, दैट्स व्हाट आई एम, यू नो रणबीर इधर दिस इज नैनदीप फ्रॉम डीएनए, so I wanted to ask you that your last film Ae Dil Hai Mushkil despite a clash did exceedingly well, you were talking about box office numbers, this film was supposed to clash with three other films but all of them have moved and you have a standalone release, so are you happy and what do you think of course you know I think any film that clashes you know they kind of lose some part of the business, but you know I also come from the school of thought ke a good film the audience will come you know irrespective if it's clashed with however big a film it is, तो अगर आपकी फिल्म अच्छी है यू नो पीपल विल टॉक अबाउट इट विल स्प्रेड यू नो अ गुड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ विल स्प्रेड एंड पीपल विल कम एंड सी इट, बट आई मीन इट्स अ गुड साइन यू नो दैट द अदर फिल्म्स हैव मूव्ड, आई थिंक वी शुड सेंड देम थैंक यू नोट्स यू नो दैट ओनली आवर फिल्म विल बी रनिंग दैट वीक, या सो वेरी हैप्पी रणबीर इधर मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं सुमा गुप्ता साइड, हाँ कि आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में की हैं और ये फिल्म बाकी सभी फिल्मों से कितनी खास है और कितनी अलग है आपके लिए? खास ये है कि यू नो आई विल बी ऑनेस्ट टू यू इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ सुपरफिशियल थिंग, लेकिन जब मैं यू नो इंडस्ट्री में आ रहा था तो ऑफ कोर्स यू नो सपने होते थे कि मैं मेरा पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, क्रिटिक्स मेरा काम पसंद करेंगे, ऑडियंस पसंद करेंगे, बट हमेशा यू नो आई हैड दिस डिज़ायर कि मुझे एक बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतना है यू नो एंड आई डोंट और इसका श्रेय तो मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं सब इसके शोल्डर पे डाल के यू नो यही जीत सकता हूँ बिकॉज दिस एंटायर फिल्म हैज मेड फ्रॉम हिम, बट इट्स ऑलवेज बीन माई ड्रीम, सो आई थिंक विद दिस फिल्म आई रियली होप दैट यू नो वी कैन अचीव दैट, आई एम पुटिंग द एनर्जी आउट इन द यूनिवर्स, लेट्स विन बेस्ट पिक्चर दिस ईयर ऑफ फॉर जगह जासूस. Okay, so this is a little offbeat. Very recently, a lot of actresses on social media are being body shamed, you know, either for their complexion or for the dresses that they wear, be it Priyanka Chopra, Deepika Padukone, and more recently, Fatima Sana Sheikh has been, you know, receiving a lot of flack for, you know, wearing a swimsuit during the month of Ramzan. How do you, as an actress, handle, you know, online trolls, and do you think this is very unfair for an actress?
You know, honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it. And I think that's just what you need to do. You're on it, I think, for the interaction with the people who are your well-wishers, who are your supporters. Sometimes you get good feedback, good information. And that's what I think you need to pay attention to. You don't need to pay attention to any of the negativity or the criticisms. Ranbir, thank hi. You. Last this question. This is Priyanka from Indian Express Online. So talking about clash, you know, earlier your film, Dutt and Tiger Zindai were supposed to clash, but now it's moved to March 2018. Do you think when you do something like that, when you push a film's release date, it sends out a perception that you guys are not that confident about the product? But I don't think so. I think a film has its own destiny. You know, when a film is ready, you should put it out. You should put out the best version of the film. You know, I've never played a part in when the film should release, it should clash with something, come on a holiday. Of course, Tiger Zinda is the biggest film of Indian cinema coming this year. And I'm sure the producers had really had, you know, good meetings and understood logistics, understood budgets, understood how much this film can earn, cannot earn. And they've taken this wise decision. But I have nothing to play in this. You know, I come in, my role is of an actor. I've been told, okay, now the film could come in March, it's not coming in December. And that's fine for me, you know, as long as the film is good, as long as they're doing the best that they can, I'm happy with that. No, I wish I had, but I don't have a cameo. I wish I had a cameo in that film. Yeah, let's take that last question. Okay, we'll take yours also. Sorry, ma'am, I can't hear what you're saying. Okay. Can you hear me? So, taking cue from her question, I want to know if you guys want to take a stand on the extremism that goes around on social media when, you know, celebrities are being slammed and are trolled for their posts, for their stand on any given opinion. So, don't you think it's high time for Bollywood? So my stand is I'm not on social media because, you know, I believe that it affects your mind. It affects your purpose. You know. But don't you think it's high time for Bollywood to show some solidarity and somebody should raise a voice against? I don't know. Do you think A B look for honey, not a fly? Look for filth. Avoid. Best question.